हेलो फ्रेंड्स, 20 फीट इंटू 32 फीट 640 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, 2 BHK हाउस प्लान है। इस तरफ 20 फीट और इस तरफ 32 फीट। तो ये वास्तु के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, स्टेयर आउटसाइड में है। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसके इसलिए पहले मैंने यहीं पे आउटसाइड का वॉल ड्रा कर लेंगे। ये बिल्डअप एरिया के ऊपर प्लान बन रहा है, प्लॉट एरिया थोड़ा बड़ा है। अगर आपका प्लॉट साइज चाहिए तो 3 फीट करके चारों तरफ ऐड कर दीजिए। मैंने यहीं पे 3 फीट करके चारों तरफ छोड़ दिया। तो आपका लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना छोड़ना है। तो रेड कलर का आउटसाइड वॉल है, 9 इंच का वॉल है, और अंदर का जो वॉल बनेगा 5 इंच का वॉल है। तो ये 5 इंच का वॉल है। ये भी स्टेयर आउटसाइड में है। तो ये रेन पार्ट पास में बिल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इधर एक एक फ्लोर अलग हो जाएगा, एक फ्लोर के साथ एक फ्लोर में कुछ इंटरनली कनेक्शन नहीं है। आपका अगर स्ट्रेस में जाना है तो आउटसाइड में ही जाना पड़ेगा आपको स्टेयर केस यूज़ करके। तो ये आउटसाइड का वॉल है और ये वेंटिलेशन और विंडो, विंडो के लिए यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, तो यहीं पे देखिए स्टेयर का ऑफ इस तरफ ऑफ है, इस तरफ डाउन है। ठीक है, तो देखिए विड्थ जो है 6 फीट है, इधर से इतना दूर तक और इधर से इतना दूर तक 3 फीट है, और एक एक स्टेयर का विड्थ 3 फीट करके ही है। तो यहीं पे मेन डोर यहीं पे है, और ये जो हॉल है लिविंग कम डाइनिंग हॉल। ठीक है, इसके बाद यहीं पे पूजा रूम है, पूजा रूम है। और तो पहले मैंने इसको यहीं पे जो दिशा है मेंशन कर देते हैं, नॉर्थ इस तरफ, साउथ इस तरफ, ईस्ट इस तरफ और वेस्ट साइड इस तरफ है। तो पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में दिया, यहीं पे देना चाहिए वास्तु के अनुसार। और यहीं पे डाइनिंग हॉल है, तो उसके बाद यहीं पे बेडरूम है। ये बेडरूम के साथ ही अटैच टॉयलेट जो नॉर्थ वेस्ट में है। और यहीं पे कॉमन टॉयलेट है वेस्ट में, वेस्ट में कॉमन टॉयलेट है। और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। इसका डोर यहीं पे है। और यहीं पे किचन रूम, किचन रूम साउथ ईस्ट में, किचन रूम हो गया। ठीक है, तो देखिए जो टॉयलेट है 4 फीट 5 इंच इस तरफ, और इस तरफ 5 फीट 7 इंच। और यहीं पे जो बेडरूम है, बेडरूम का साइज 9 फीट इस तरफ और इस तरफ 10 फीट 3 इंच। ठीक है, और कॉमन टॉयलेट का साइज 3 फीट 10 इंच इस तरफ और इस तरफ 7 फीट। और यहीं पे जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज
इलेवन फीट फाइव इंच लेंथ है और विथ 10 फीट है। किचन का साइज इस तरफ 9 फीट 1 इंच। किचन का साइज 6 फीट 8 इंच बाई 8 फीट 10 इंच। और इस हॉल का साइज 9 फीट 1 इंच बाई 14 फीट 6 इंच। तो डाइनिंग लिविंग कम डाइनिंग हॉल है। तो ये हो गया आपका रूम का लेआउट। तो अभी इसका कॉलम पोजीशन देख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों बिल्डिंग का कॉलम प्रोवाइड करना है। तो जो बॉक्स मैंने बना रहा हूँ यहीं पे आपका कॉलम प्रोवाइड करना है। और इस तरफ यहीं पे विंडो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा उधर। यहीं पे ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो नंबर ऑफ कॉलम 16, साइज 9 इंच बाई 9 इंच। फुटिंग 4 फीट बाई 4 फीट टू 10 इंच थिकनेस। डेप्थ मिनिमम 4 फीट रखना ही है। मेन डोर 4 फीट इंटू 7 फीट। बेडरूम का डोर 3 फीट इंटू 7 फीट। किचन एंड टॉयलेट का डोर 2.5 फीट इंटू 7 फीट। और विंडो बेडरूम का विंडो 5 फीट इंटू 4 फीट। किचन का विंडो 3 फीट इंटू 3 फीट। और वेंटिलेशन 14 इंच इंटू 14 इंच। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, यहाँ पे बिल्डिंग कॉस्ट कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में टोटल कॉस्ट आएगा 8 लाख 50 हज़ार कॉस्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए, प्लान का रिव्यू कर लीजिए। टोटल वस्तु के ऊपर ध्यान दिया के बनाया गया है। तो एक बार रिव्यू कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू।